देश भर में 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां समाज के नवनिर्माण नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये विडंबना की बात है कि मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने वाले शिक्षकों का भविष्य इस समय अंधकार में नजर आ रहा है। यही वजह है कि पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान अतिथि शिक्षकों ने उज्जैन में भीख मांग कर प्रदेश की शिवराज सरकार को जगाने का प्रयास किया। उज्जैन के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों ने शनिवार को शिक्षक दिवस पर दुकानों पर जाकर भीख मांगी और शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। शिक्षकों की मांग थी कि सरकार द्वारा 6 महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और जल्द वेतन नहीं मिलने पर वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मैं इतना कम नहीं दे सकता। अच्छा यू मेरा वजन इतना ही है। धन्यवाद सर। आया तो क्या मांग उनको क्या है कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और वो चाहते हैं कि हमें 6 महीने की तनख्वाह मिले और हमें जॉब वापस मिले हमारी, इसीलिए वो भीख मांग रहे थे। तो मेरे से जो बन सका वो मैंने किया, जितना मेरे से बन सका था मैंने उतनी किया। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शिक्षक तो वो होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, हमारे बच्चों को पढ़ाया, आपके भी बच्चों को पढ़ा रहा है, आगे भी आपके और बच्चे होंगे उनको भी पढ़ाते हैं शिक्षक। उनकी मांगे जायज है और उनको वापिस रखा जाए। सर, हम शिक्षक दिवस पे काला दिवस के रूप में मनाया है क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं और आज ऐसी स्थिति होगी 5-6 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। इस कारण से आज शिक्षक दिवस पे भीख मांग कर हमने विरोध जताया है और शासन को ये बताना चाहते हैं कि यदि हम हमारे कम से कम 55 अतिथि शिक्षकों ने आज तारीख में आत्महत्या कर चुके हैं। इस कारण से हर अतिथि इतना परेशान और दुखी है कि आज भीख मांगने की नौबत आ गई, नहीं तो शिक्षक आज जो MA BEd और अच्छी उच्च डिग्री कर रखी है, जिसको आज शासन द्वारा एक गवर्नमेंट टीचर को 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उन शासन अतिथि शिक्षकों को मात्र 5-7-9 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता है और वो भी पूरा नहीं मिलता है। आज पूरे जिले पूरे मध्य प्रदेश 70 हज़ार अतिथि शिक्षक है। यदि शासन 1 महीने का वेतन काटता है हमारा तो कम से कम शासन को 30 करोड़ का फायदा होता है। तो ऐसे करके 5 महीने का पैसा शासन हमारा हक का पैसा खा गया है, जो कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आज हमारे गरीबों का पैसा खाया है शासन ने, 10 महीने पूरी वेतन नहीं देता। हम नियमितीकरण तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है कि हमारे को सिर्फ हमारे हक की चीज़ तो दे, कम से कम 10 महीने तो दे। यदि शासन के पास स्कूल चलाने के लिए पैसा नहीं है तो 10 महीने शासन सरकारी स्कूल क्यों चला रहा है? प्राइवेट वाले भी 10 महीने तनख्वाह देते हैं, शासन 10 महीने पेमेंट नहीं दे पा रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। शासन ने अभी तक आदेश नहीं निकाला हमारे प्रति और स्कूल का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि घर घर जाके पढ़ा रहे हैं। अरे हम कोरोना के बिना ही मर गए, तो कम से कम पैसा तो दें हमें। बहरहाल, अतिथि शिक्षकों के इस अनूठे प्रदर्शन का शिवराज सरकार पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में शिक्षकों की इस हालत को देखकर लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा साफ देखा जा रहा था। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।